तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि यार पहले ना मेरी पार्टनर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, अब वो मुझसे प्यार नहीं करती है और दिन ब दिन मेरे को भूलती जा रही है, तो मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे से प्यार दोबारा करने लग जाए। तो फ्रेंड आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को एंड तक देखने, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी आपको करना क्या ऐसा जो आपको लड़की मरते दम तक याद रखे। तो हे सर कैसे हो आप लोग यार, मैं आप सभी का दोस्त और आप देख रहे हैं लव एडवाइस दिल से तिप। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और दबा दो नोटिफिकेशन बेल को, थोड़ा सा टाइम मिले तो फ्रेंड प्लीज हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, जिसमें मैं आपको मोटिवेशन के टिप बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो एंड देखने में अच्छे लगे तो प्लीज यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो चलिए यार शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड फर्स्ट टिप आपकी ये होगी, कभी भी अपने पार्टनर को इरिटेट ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब उसका मूड आपसे बात करने का नहीं हो या फिर जब उसका मूड ठीक नहीं हो, उस टाइम उसको आप ज्यादा ना बात करें उससे, जिससे उसको ये लगे कि आप उसके लिए एक सरदर्द बन गए हो और वो चाहती हो आपसे पीछा छुड़वाना। तो फ्रेंड ऐसी गलती आप ना करें उसके सामने, क्योंकि फ्रेंड होता क्या है ना, आप कभी कभी ऐसा करते हो कि कभी भी आप उसको फोन कर देते हो या फिर बहुत जल्दी आप उससे बात करने लग जाते हो, भले वो मूड में रहे या नहीं रहे, बस आप अपने मूड में रहते हो कि चलो यार मेरे कोई पास तो जो मेरे से बात करेगी, और उसके कारण आप उससे बात कर लेते हो। और उसको ये भी नहीं पता चलता है कि आप बात किस जरिए से करना चाहते हो, या आपको भी ये बात नहीं पता होती है कि उसका मूड ठीक है या नहीं है या फिर वो अच्छे मूड में है या नहीं है जो मैं उससे अभी बात करूं। और नॉर्मली अब बस आप यही चाहते हो कि उसके पे बस मेरा ध्यान लगा रहे और उसका मेरा पे ध्यान लगा रहे, तो इसलिए मैं उससे बातें करता हूँ कि उससे मैं ज्यादा क्लोज जा सकूँ, यही सोच लेते हो बस आप, और किसी भी टाइम पे आप उससे बात करने लग जाते हो। और आप ऐसा बोलोगे कि नहीं यार वो तो मुझसे बात करती है, बट मैं बताना चाहता हूँ अगर आपकी पार्टनर सच्ची है वो तो आपसे बात करेगी ना, चाहे उसका मूड ठीक हो या नहीं हो, वो तो आपकी बातें सुनेगी ना, बट आपको ये बात समझना चाहिए कि उसका मूड ठीक है या नहीं। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो, उससे बात करते ही रहते हो चाहे कोई से भी मूड हो, तो इस तरीके से ना फ्रेंड धीरे धीरे ना वो आप में इंटरेस्ट अपना कम कर देगी, आपके बारे में बहुत ही कम सोचा करेगी, और इस तरीके से आप उसके सामने कोई इंटरेस्टिंग रहोगे नहीं, तो इस तरीके से वो तो आपको भूलने लगेगी ना। और अब अगली टिप फ्रेंड, ये टिप ना अक्सर बॉयज में देखता हूं मैं कि गलती कर बैठते हैं, जो कि गलती आपको नहीं करनी चाहिए। कभी भी उसके सामने ना ये मत जताओ कि आप क्या हो, कभी भी उसको ये मत दिखाओ कि आप कैसे हो, क्योंकि आप उसको दिखाते दिखाते इतना कुछ बता डालते हैं कि अब आपके अंदर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज रहा ही नहीं जिससे वो आपसे बातें कर सके, क्योंकि आपने तो सभी कुछ उसको बता दिया अपने बारे में, ए टू जेड बातें आपने उससे डिस्कस कर डाली है, तो लड़की अब आप में इंटरेस्ट क्यों रहेगी। हमेशा लड़की के सामने थोड़ा छुप के रहा करो, हद जब जरूरत पड़े तब वो बातें बोला करो, ऐसी नहीं है कि आप अपने गुणगान किया करो। मेरे कहने का मतलब साफ साफ ये है कि आप उससे कम बातें करें पर अच्छी बातें करें, उससे बोले पर ऐसी बातें बोले जो उसको भी अच्छा लगे, ऐसा नहीं जो उसको मूड हो या नहीं हो पर आप उसको बोल रहे हो वो बातें, और ऐसी ऐसी बातें बता डालते हो जो वो बातें जानना जरूरी नहीं समझती है। देखो भाई होता क्या है ना, जैसे कि मान लो अगर आपने कहीं मार्केट से नया सेल फोन लाया है और अगर उसके फ्यूचर आप पहले ही जान गए हो तो उसके बाद तो फोन आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा नहीं, एंड अगर आप कहीं बढ़िया फोन देखोगे तो आपका मन करेगा कि वो फोन लेना चाहिए, वो नया फोन है उसमें देखना चाहिए क्या फ्यूचर है, उसको चलाने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप उसके बारे में नहीं जानते हो, इसीलिए ना आपको फोन अच्छा लगेगा। तो इसीलिए फ्रेंड आप अपने बारे में जितना हो सके उतना कम जानकारी दें। आपके माइंड में एक बातें और आ रही होगी कि यार ये तो अच्छी बात है ना, मैं अपने पार्टनर के साथ सारी बातें शेयर करता हूँ। हाँ फ्रेंड ये बात तो ठीक है, बट आप ऐसी ऐसी बातें भी शेयर कर लेते हो ना जो कि नहीं करना चाहिए। अब तो आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आप उसके बॉयफ्रेंड हो तो आपके पास तो बहुत टाइम है ना उससे बातें करने के लिए, एक दिन में ही सारी बातें खत्म कर डालोगे क्या, धीरे धीरे बताओ उसे। इस तरीके से वो आप में कभी इंटरेस्ट कम करेगी ही नहीं, आप में हमेशा इंटरेस्टेड रहेगी क्योंकि आप हमेशा नया बोलते हो, और आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा और वो आपको मरते दम तक याद रखेगी। और अब अगली टिप आपकी ये होगी, इस टिप में आपको ये ध्यान देनी है, कभी भी लड़की से चिपकू टाइप का व्यवहार ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो ना चाहती हो तो भी आप उससे चिपक रहे हो, अगर वो ना चाहती हो आप उसकी वो भी हेल्प कर दे रहे हो, तो इस तरीके से वो आप में इंटरेस्ट कम कर देगी, वो सोचेगी ये तो मेरी सारी बातें मानता है तो कल को मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तो आज ही क्यों ना इससे सब कुछ काम करवा लूं और फिर इससे इंटरेस्ट खत्म कर लूं। फ्रेंड ये बातें माइंड में लड़कियों को नहीं आती है, पर जब ऐसे हरकत करने लग जाते हो ना उसके कारण लड़कियों के माइंड में ये बातें चलने लग जाती है। देखो फ्रेंड होता क्या है ना, अगर आप उसकी सारी बातें मान लेते हो, उसके सारे कमेंट्स आप पूरे कर देते हो, तो उसको एक ट्रस्ट बन जाता है दिमाग में कि अब ये मेरे को लगता है छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है, या फिर आपको जैसे बॉयज हो तो आपको भी हो जाता है कि ये मेरे को छोड़ के अभी जाने वाली नहीं है, तो जितना हो सके उतना इस पे ट्रस्ट बनाता हूं और इससे अपना काम निकलवाता हूं।
और इससे हो गया आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, जो कि वो समझ सकती है या फिर समझ सकता है कि मेरे को छोड़ के जाने वाला नहीं क्योंकि उसको कोई नेक्स्ट मिलने वाला नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप उससे झूठ बोलो, उससे सच्चा प्यार ना करो, उसके अलावा कोई और लड़की देखो या लड़का देखो। नहीं फ्रेंड, आप उससे सच्चा प्यार करो, पर इस नियम को भी फॉलो करो जिससे वो आपको याद करे, आपसे प्यार करे। तो फ्रेंड, अगर ये सब बातें को अगर आप सही तरीके से याद कर लेना तो कोई भी लड़की आपको छोड़ने वाली नहीं है और आप में इंटरेस्ट कम करने वाली नहीं है, वो आपसे मरते दम तक प्यार करेगी और इतना प्यार करेगी जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। तो फ्रेंड, इस बार इस वीडियो पर कमेंट मत करना कि आप ऐसा बोलोगे कि यार मुझसे पार्टनर आप प्यार नहीं करती है, क्योंकि अगर आपने ये सारी बातें समझ गए होंगे ना तो आपसे डबल प्यार करेगी आपकी पार्टनर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना देखने में तो प्लीज यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अंत में बस इतना ही बोलना चाहूंगा, धन्यवाद दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देखा, मिलते हैं अगली बार प्यारी से वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।